नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एग्जास्ट मैनिफोल्ड। जैसे पिछले वीडियो में हमने इंटेक मैनिफोल्ड के बारे में समझा था, आज की वीडियो में हम एग्जास्ट मैनिफोल्ड के बारे में समझेंगे। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। ये था हमारा पीछे का अरेंजमेंट सारा इंटेक मैनिफोल्ड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब ये है हमारा इधर का अरेंजमेंट सारा एग्जास्ट मैनिफोल्ड क्या करता है? इसका मुख्य कार्य होता है जब भी इंजन चलता है तो ये बर्न हुई गैसेस को परिचालक, ड्राइवर और यात्रियों से दूर फेंकता है, ठीक है, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो और क्या ना हो, इसका पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ठीक है। अब क्या होता है इसके इसके मुख्य भाग क्या होते हैं? एग्जास्ट मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड मफलर एग्जास्ट मैनिफोल्ड क्या होता है? ये भी इंटेक मैनिफोल्ड की तरह होता है, एक चैम्बर सा बना होता है जहां से होके गैसेस निकलती हैं। उसका मफलर क्या होता है? मफलर इज साइलेंसर, ठीक है। उसके बाद है एग्जास्ट पाइप। अब ये यहाँ से गया मैनिफोल्ड में, अब यहाँ से पाइप जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जास्ट पाइप, ठीक है। इसके आगे लग रहा है साइलेंसर। अब ये जो साइलेंसर, मान लो ये हमारा यहाँ से वाल्व से निकला, ये हुआ मैनिफोल्ड, एग्जास्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी पाइप यहाँ, और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये साइलेंसर, ठीक है, जहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ से ये है आपका इंजन, ये एग्जास्ट वाल है, यहाँ से आपका एग्जास्ट हो गया आपका मैनिफोल्ड, ये होती है एग्जास्ट पाइप। अब ये यहाँ से ये साइलेंसर है, ठीक है, कुछ इस तरह से बना देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। अब ये जो साइलेंसर है या मफलर है आपका, ये जहाँ से जुड़ा हुआ है पाइप से और ये साइलेंसर जहाँ आपस में जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? टेल पाइप, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं? एग्जास्ट मैनिफोल्ड। इसमें अभी क्या होता है, इसमें कैटेलिक कन्वर्टर वगैरह भी लग रहे हैं, जो जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। ज्यादातर मैक्सिमम ये गाड़ियों में जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड बना होता है उसका मटेरियल क्या होता है? कास्ट आयरन। अब ये बात आती है कि ये इतना अरेंजमेंट इतना लंबा क्यों लगाया जाता है? अब गैसेस प्रदूषण को तो कम कर ही रहा है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये क्या होता है साथ, इसके साथ साथ ये हीट को भी, अब गैसें जा रही हैं, जली हुई गैसेस, तो उसकी गर्मी भी तो उत्पन्न हो रही है, उसको भी कहीं, ये पूरा अरेंजमेंट है उसको कम करता है।
आई होप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के इस टॉपिक में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।